गाइस एंड वेलकम बैक टू माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज। एंड ये सीरीज का एपिसोड 3 होने वाला है। एंड पिछले दो एपिसोड में मैंने अपने लिए एक हाउस एंड अपने लिए एक डायमंड के आर्मर को बनाया था, बट अभी मुझे अपने डायमंड के आर्मर को एंचर करना है, तो इसलिए मैं आज बनाने वाला हूँ अपने लिए एक विलेजर ट्रेडिंग हॉल, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा कूल होने वाला है और साथ ही साथ ये इतना ज्यादा मैसिव होने वाला है, तो इसके लिए मुझे बहुत ही ज्यादा सामान कलेक्ट करना होगा। तो अभी हम बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक गोल रख लेते हैं, जो कि है पूरे के पूरे 100 लाइक का। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले हमें ट्रेडिंग हॉल बनाने के लिए चाहिए होगे थोड़े बहुत विलेजर, तो अभी हम जल्दी से एक विलेज फाइन करते हैं। तो के फाइनली गाइस मुझे यहाँ पे एक विलेज मिल चुका है, बट रास्ते में ना मुझे थोड़े बहुत विलेजर मिल चुके थे, तो मैंने उनको मारा और यहाँ पे विलेज में रेड स्टार्ट हो चुकी है, तो जल्दी से इसको खत्म कर देते है। ओके गाइस यहाँ पे रेड तो खत्म नहीं हुई, पर पता नहीं यहाँ पे मैंने गेम एग्जिट करके वापस आया, पर यहाँ पे रेड तो चली गई और ये विलेजर अभी भी यहाँ पे घूम रहे हैं, तो जल्दी इस चीज को मैं खत्म कर देता हूँ। एंड बस अभी मुझे ना यहाँ पे इस विलेजर को इस वाले माइन कार में बिठाना होगा, तो यहाँ पे मैं माइन कार को लगा देता हूँ एंड यहाँ पे इस विलेजर को खड़ा कर देता हूँ। एंड ओके यहाँ पे बैठ चुका है, तो अभी मुझे बस इसको धक्का देना है नेदर पोर्टल के अंदर, तो यहाँ पे मैंने दो विलेजर को कैद करके रखा है, तो जल्दी इस चीज को भी दे देता हूँ। और ये जा रहा है और ये परफेक्ट नेदर पोर्टल के बीच में आ चुका है, तो जल्दी से इसको तोड़ता हूँ और ये नेदर में चला जा चुका है। बस अभी मुझे ना इसको माइन कार के अंदर बिठाना होगा, तो मैं कैसे ना कैसे करके इसको बिठा लूँगा। यहाँ पे रखी माइन कार और इसको डैमेज हो रहा है, वेट इसको छोड़ना पड़ेगा। ओके फाइनली ये बच चुका है, तो अभी बस मुझे ना इसको धक्का देना है और ये चला जाएगा रेल सिस्टम से। ओके ये जा रहा है, अभी हम दूसरे विलेजर को भी लेके आते हैं। ओके दूसरा विलेजर भी डन, इसको मुझे बस यहाँ से धक्का देना होगा और ये चला जाएगा। ओके ये चला गया है, अभी मुझे इसको और थोड़ा धक्का देना होगा। ओके फाइनली अभी ये हमारे हाउस पे जा रहा है और यहाँ पे रेल टूटी हुई है। ओके इसको भी ले लेते हैं। एंड अभी है ना ये अपने सीधा हाउस पे जाएगा। इस ट्रैक को मुझे बिछाने में है ना बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा है, बट मैंने वो सारा का सारा पार्ट कट कर दिया था। तो ओके अभी ये जा रहा है और यहाँ से देखो सीधा जा रहा है, अब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सामने को है ना अपना नेदर पोर्टल भी है हाउस वाला। एंड हम यहाँ पे पोर्टल पे वापस आ चुके हैं एंड यहाँ पे दोनों विलेजर आ चुके हैं, तो जल्दी से इस वाली माइन कार को मैं तोड़ देता हूँ एंड अभी हम जल्दी चलते हैं ओवर वर्ल्ड में। ओके अभी यहाँ पे ये घूम रहा है यार, अभी मुझे इसको है ना कहीं ना कहीं पर ट्रैप करना होगा, तो शायद से क्या है माइन कार में बैठेगा। नहीं यार इतना इजी तो नहीं होने वाला। तो ओके फाइनल गाइस यहाँ पे मैंने दोनों विलेजर को है ना यहाँ पे कैरी कर दिया है और साथ साथ मैंने बहुत सारे बेल भी लगा दिए, जिससे ब्रीडिंग करके ना और भी विलेजर ला सके। और आप देख सकते हैं मैंने इधर से आया तो मेरा आर्मर कितना ज़्यादा डैमेज हो चुका है एंड रेल से मुझे एक छोटा वहाँ फंडा मिला था, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे काम में आने वाला है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ ना अपने हाउस से थोड़ा इस वाली साइड पर ना मैं बनाने वाला हूँ अपना ट्रेडिंग हॉल, तो शायद से यही जगह अच्छी लग रही है मुझे, क्योंकि ये मैंने पहले ही क्लियर करके रखी थी। तो ओके मैं देख के बताता हूँ कहाँ पे हम बनाने वाले हैं। तो ओके फाइनली गाइस मैंने यहाँ पे ना डिसाइड कर लिया है कि मैं कहाँ पे बनाने वाला हूँ, तो मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ इन 3 2 1। तो गाइस ये रहा अपना विलेजर ट्रेडिंग हॉल एंड सच्ची में दिखने में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और इसको बनाने के लिए जो सामान चाहिए तो इससे भी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इसको बनाने में ना मुझे कुछ हद से ज़्यादा सामान चाहिए होगा। तो मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से जाते हैं मटेरियल लिस्ट के अंदर एंड आप देख सकते हैं यार इतना सारा सामान मुझे इसको बनाने के लिए चाहिए, मतलब कि मेरी हालत यहाँ पे ख़राब होने वाली है इसको बनाने के अंदर। बट कोई नहीं, जल्दी से इसको बनाने का सारा सामान कलेक्ट करते हैं। ओके फाइनली गाइस ट्रेडिंग हॉल को बनाने के लिए मुझे जितना भी सामान चाहिए था ना वो सारा सामान मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर दिया है। तो अभी हम बिना किसी देरी के जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको सारा सामान दिखा देता हूँ। तो ये दोनों चेस्ट के अंदर है ना सारा सामान यहाँ पे आ चुका है, तो जल्दी से इसको दिखा देता हूँ। एंड आप देख सकते हैं इस वाले ट्रेडिंग हॉल को बनाने के लिए मुझे इतना सारा सामान लगने वाला है, तो अभी हम बिना किसी देरी के जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आप इंजॉय कीजिए इसका एक छोटा सा टाइम लैप्स। Oh,
ओके फाइनली गाइस अपना यहाँ पे ट्रेडिंग हॉल बन के रेडी हो चुका है। एंड सच्ची में इसको बनाने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा है, बट एंड रिजल्ट इसका बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा है। मतलब कि आप देख सकते हैं अपना ट्रेडिंग हॉल है ना, कितना ज़्यादा बड़ा है और मस्त लग रहा है। तो अभी मैं जल्दी से इसका आपका इंटीरियर भी दिखा देता हूँ। ओके जल्दी से चलते हैं अंदर। और मैंने इसका इंटीरियर फुल्ली मतलब कि डेकोरेट कर दिया है। मतलब कि आपको यहाँ पे एक भी चीज़ की कमी नहीं लगने वाली। और यहाँ पे आने वाले थोड़े बहुत विलेजर, यहाँ पे मैं विलेजर को डालूंगा और यहाँ पे बीच में भी विलेजर आ सकते हैं अपने। एंड सारी साथ मैंने यहाँ पे ना मतलब कि एक और फ्लोर बनाने की सोची थी नीचे की ओर, जो कि हम किसी और एपिसोड के अंदर बनाएंगे। और ये रहा मेन एरिया जहाँ पे हम विलेजर से ट्रेड करने वाले हैं। तो यहाँ पे आएंगे विलेजर और इसको फ्लिक करते ही ये विलेजर ऊपर आ जाएगा और इसको वापस से फ्लिक करके नीचे चला जाएगा। तो यही था अपना ट्रेडिंग हॉल। और साथ ही साथ मैंने ऐसा ही सेम टू सेम है ना दूसरी साइड भी बनाया है, तो जल्दी से इसको भी दिखा देता हूँ। इसको इस साइड को चलते हैं। एंड यहाँ पे एक और विलेजर का एरिया जहाँ पे मैं और भी विलेजर को रखता हूँ। इस वाली साइड पे ना ज्यादातर लाइब्रेरियन आने वाले हैं। और यहाँ पे एक सेकंड फ्लोर भी है जिसके ऊपर कुछ अभी तो रखा नहीं है, बस यहाँ से ऊपर से नजारा देख सकते हैं। और यही था अपना ट्रेडिंग हॉल जो कि आपने पूरा का पूरा देख लिया है। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना एंड वीडियो का लाइक गोल भी जरूर से पूरा कर लेना। तो मैं सुन लेता हूँ किसी नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।